Hello my dear kids and parents, welcome to my channel. My Pathshala by Neetu Nigam. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास फर्स्ट EBS पेपर के सिलेबस 2022 के लिए. इससे पहले मैंने क्लास फर्स्ट के हिंदी, मैथ और इंग्लिश के सिलेबस आपके साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ और आज हम EBS के सिलेबस देखेंगे. साथ ही टॉपिक वाइज मैं आपको यह भी इसमें बताते जाऊंगी किस टॉपिक में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है और लास्ट में मैं इस पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, बच्चों को कैसे तैयारी करवाई जाए वो भी आपको बताऊंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं EBS के सिलेबस. ये एक सिलेबस है CBSE बुक क्लास फर्स्ट की, जिसके सिलेबस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. तो चलिए पहला चैप्टर है माईसेल्फ. माईसेल्फ में बच्चों को इंट्रोडक्शन बताया जाता है कि उन्हें अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है, वो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, उनका हाउस नंबर क्या है, बर्थडे कब आता है, मोबाइल नंबर क्या है, कौन से क्लास में है, कौन से सेक्शन में है, ये सब चीज़ उन्हें बताया जाता है. दूसरा टॉपिक आ जाता है माई फैमिली. माई फैमिली के अंतर्गत इन्हें बताया जाता है कि फैमिली क्या होती है एंड काइंड्स ऑफ फैमिली कितने प्रकार के होते हैं. इसमें जनरली इन्हें न्यूक्लियर फैमिली एंड ज्वाइंट फैमिली के बारे में बताया जाता है. साथ ही हमारे एल्डेस्ट फैमिली मेंबर्स कौन कौन से हैं उनकी जानकारी दी जाती है. और हर चैप्टर में चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चंस के लास्ट में, एक्सरसाइज के लास्ट में अदर एक्टिविटीज़ रहती है जिससे कि उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस चैप्टर वाइज करवा दी जाए. पार्ट्स ऑफ बॉडी, इसके अंतर्गत इन्हें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में बताया जाता है. साथ ही हाउ आवर बॉडी पार्ट्स हेल्प अस, यानी हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हैं. जैसे हैंड से हम कौन कौन सा वर्क करते हैं, क्लैपिंग, लेग से जॉगिंग करते हैं, माउथ से ब्रीथिंग या स्माइलिंग करती हैं, इस तरह अलग अलग बॉडी पार्ट्स के क्या क्या फंक्शन हैं या क्या यूज़ है, ये इन्हें बताया जाता है. नेक्स्ट चैप्टर 4, माई बॉडी सेंस ऑर्गेन. हमारे 5 सेंस ऑर्गेन हैं, इनका कैसे यूज़ किया जाता है, वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हैं, ये चीज़ उन्हें बताया जाता है और फिर एग्जांपल्स के द्वारा इन्हें क्लास में प्रैक्टिस करवाई जाती है. नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है क्लियरनेस एंड हेल्थ. इसके अंतर्गत बताया जाता है कि हमें कैसे साफ रहना चाहिए और डेली टू डेली हमें किस प्रकार हर चीज़ को ब्रश करना चाहिए, क्लॉथ साफ पहनने चाहिए, बाथिंग करनी चाहिए, ये सारे चीज़ें इन्हें बताया जाता है. साथ ही दिस इज हाउ वी क्लीन आवर हैंड्स, हैंड्स को हम किस प्रकार क्लीन कर सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स उन्हें बताए जाते हैं और इनसे संबंधित जो है इन्हें एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करवाई जाती है. नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है फूड बी इट, हम क्या खाते हैं और ये खाना जो है हमारे लिए कैसे हेल्पफुल रहता है. साथ ही इस चैप्टर में इन्हें बताया जाता है ये फूड्स कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, हमारे मील्स कौन कौन से होते हैं और हेल्दी और अनहेल्दी फूड के बारे में भी इन्हें बताया जाता है. नेक्स्ट चैप्टर हो जाते हैं क्लॉथ्स वी वियर. इसके अंतर्गत बताया जाता है इन्हें कि काइंड्स ऑफ क्लॉथ क्या क्या होते हैं, कॉटन क्लॉथ, वुलन क्लॉथ, रेनी सीजन में हम कौन से क्लॉथ पहनते हैं, यूनिफॉर्म्स क्या क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेस इन आवर कंट्री, यानी हमारे देश में अलग अलग प्रकार के ड्रेस कौन कौन से लोग पहनते हैं, जैसे पंजाबियों के क्या ड्रेस होते हैं, राजस्थानी, साउथ इंडियन, काश्मीरी, इन सभी के ड्रेस के बारे में इन्हें अलग अलग समझाया जाता है. नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है माई होम. इस चैप्टर में इन्हें बताया जाता है कि हमारा हाउस जो है सीमेंट एंड ब्रिक से बना होता है, फिर घर में क्या क्या होते हैं, कौन कौन से रूम होते हैं, कौन से रूम में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे किचन कहाँ होता है, बेडरूम क्या होता है, ड्राइंग रूम क्या होता है, उसमें कौन कौन से सामान होते हैं, फिर एक गुड हाउस क्या होता है, ये सारे चीज़ें इन्हें बताए जाते हैं और फिर एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं. नेक्स्ट चैप्टर हो जाता है गुड मैनर्स एंड हैबिट्स. गुड मैनर्स एंड हैबिट्स इन्हें बताया जाता है और इन्हें बताया जाता है डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में, चाहे वह हम स्कूल में हो, घर में हो, मार्केट में हो, हॉस्पिटल में हो, वहाँ पर हमारे गुड मैनर्स क्या हो सकते हैं. नेक्स्ट हो जाता है गेम्स. इसके अंतर्गत उन्हें इंडोर एंड आउटडोर गेम्स के बारे में बताया जाता है. उसके बाद इन्हें फॉर्मेटिव असेसमेंट करवाए जाते हैं
यानी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। नेक्स्ट हो जाते हैं चैप्टर 11 माई स्कूल। माई स्कूल के अंतर्गत इन्हें बताया जाता है कि माई स्कूल क्या होता है, स्कूल के अंतर्गत कौन कौन से रूम होते हैं, क्लासरूम, प्रिंसिपल रूम, लाइब्रेरी, म्यूजिक, प्लेग्राउंड, स्टाफ रूम, कैंटीन, ऑडिटोरियम, मेडिकल रूम, कंप्यूटर रूम, फिर पीपल हु हेल्प अस स्कूल। पीपल्स वे लोग जो हमारे स्कूल में हमारी मदद करते हैं, जैसे प्रिंसिपल, टीचर, लाइब्रेरियन, प्यून, गेट कीपर, बस ड्राइवर, स्वीपर, ये सारे उन्हें बताए जाते हैं क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा माई नेबरहुड, प्लेस इन आवर नेबरहुड। नेबरहुड के अंतर्गत वो चीज़ हमें हमारे आसपास क्या होते हैं जो हमारे लिए हमारी लाइफ को कंफर्टेबल एंड सेफ बनाते हैं, उसके अंतर्गत मार्केट, स्कूल, बैंक, पार्क, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, ये सब के बारे में बताया जाता है। फिर प्लेसेस ऑफ वर्कशिप, हम जहाँ पर प्रार्थना करते हैं वो क्या क्या होते हैं, उन्हें नाम बताया जाता है। नेक्स्ट हो जाता है चैप्टर 13 पीपल हु हेल्प अस, वे कौन लोग हैं जो हमारी मदद करते हैं और वो हमारी क्या मदद करते हैं, ये दोनों चीज़ें हमें बताया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोबलर मेंड आवर शूज, पोस्टमैन अ पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर, पोस्टमैन हमारे लेटर हमें ला कर देते हैं, इस प्रकार बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें रहते हैं जो इन्हें अलग अलग फील्ड से रिलेटेड लोगों के बारे में बताया जाता है कि वो हमारे लिए क्या हेल्पफुल है। नेक्स्ट हो जाता है सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, इसमें फेस्टिवल हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो जैसे दिवाली, ईद, गुरु पर्व, क्रिसमस, इन फेस्टिवल के बारे में बताया जाता है। और साथ ही फिर नेक्स्ट नेशनल फ्लावर नेशनल फेस्टिवल के बारे में बताया जाता है कि कौन कौन से नेशनल फेस्टिवल हैं और वो हम कब मनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है वेदर, वेदर के बारे में इन्हें बताया जाता है कि कोल्ड डे क्या होता है, हॉट डे क्या होता है, शनी डे क्या होता है, विंटर डे, रेनी डे, क्लाउडी डे, इन सभी के बारे में इन्हें बताया जाता है और उसमें क्या होता है ये भी उन्हें समझाया जाता है। फिर इतने चैप्टर से रिलेटेड इन्हें अफर्मेटिव असाइनमेंट्स होते हैं जो उन्हें करवाए जाते हैं। नेक्स्ट हो जाता है लास्ट चैप्टर 16, जैसे प्लांट वी ग्रीन वर्ड, प्लांट के बारे में बताया जाता है कि पार्ट्स ऑफ प्लांट क्या है, टाइप्स ऑफ प्लांट्स क्या है, कितने प्रकार के प्लांट्स होते हैं और कितने प्रकार के लीफ होते हैं, ये इस चैप्टर के अंतर्गत इन्हें बताया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हो जाता है द एनिमल वर्ल्ड, इसके अंतर्गत एनिमल संसार के बारे में बताया जाता है, कुछ बिग एनिमल, कुछ स्मॉल एनिमल, एनिमल लिव्स इन डिफरेंट प्लेस, अलग अलग एनिमल्स जो है अलग अलग प्लेसेस पे रहते हैं, यानी लैंड पे कौन से एनिमल्स रहते हैं, वाटर में कौन से रहते हैं, फिर वाटर और लैंड दोनों जगह कौन से एनिमल्स रहते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स कौन कौन से कहलाते हैं, वाइल्ड एनिमल कौन कौन से कहलाते हैं, बर्ड, इंसेक्ट, इन सभी के बारे में इन्हें बताया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर 18 एयर एवरीवेयर, इसके अंतर्गत इन्हें बताया जाता है कि एयर क्या होता है और एयर से संबंधित चीज़ें इन्हें बताई जाती हैं। नेक्स्ट हो जाता है वाटर इनटू द ब्लू, इस चैप्टर के अंतर्गत इन्हें बताया जाता है कि वाटर का क्या यूज़ है, वाटर से हम क्या क्या काम करते हैं, फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग क्लॉथ, बाथिंग, पुटिंग आवर फायर्स, कुकिंग, वाटरिंग प्लांट्स एंड क्रॉप्स, ये सारे। फिर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, हम वाटर कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये चीज़ इस चैप्टर में बताए जाते हैं। और लास्ट 20 चैप्टर माय कंट्री, तो हमारे देश के बारे में उन्हें बताया जाता है, हमारे ट्रेडिशंस क्या होते हैं, हमारे नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया क्या क्या हैं, ये सारे चीज़ इसमें बताए जाते हैं, जैसे नेशनल फ्लैग, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर, इस तरह से रिलेटेड ये इन्हें बताए जाते हैं। तो इस प्रकार ये पूरा सिलेबस कम्प्लीट हो जाता है। लास्ट में जो है इन सभी चैप्टर से रिलेटेड इन्हें रीडिंग करवाई जाती है, हार्ड वर्ड्स करवाए जाते हैं और चैप्टर से रिलेटेड रीअरेंज वर्ड्स एंड लेटर्स करवाए जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल ऑल मिसिंग लेटर्स करवाए जाते हैं, मैच द फॉलोइंग्स, फिर आंसर इन वन वर्ड, यानी एक वर्ड में इन्हें जवाब देना होता है, और लास्ट आंसर द फॉलोइंग करवाए जाते हैं, जिनमें उन्हें मोर देन वन सेंटेंस या वन एंड हाफ सेंटेंस के क्वेश्चन करवाए जाते हैं। आई होप आपको यह सिलेबस यूजफुल लगे और इस प्रकार आप खुद भी प्रैक्टिस शीट बनाकर बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं, जिससे कि उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो।
और साथ ही मैं चैप्टर वाइज वर्कशीट भी आपके लिए लेकर आऊँगी। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।